हंसता जमाना मेरे आंसुओं पे इश्क था मेरा। सोशल मीडिया के सबसे क्यूट कपल विवेक चौधरी और खुशी पंजामन को लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। दरअसल आपने भी नोटिस किया होगा कि विवेक और खुशी का इन दिनों सोशल मीडिया पर कोई भी वीडियो नहीं आ रहा है और ना ही इन दोनों के बारे में कुछ पता चल रहा है। वहीं बहुत से लोगों का कहना है कि इन दोनों के बीच में कुछ आपसी झगड़े चल रहे हैं, तो कुछ एक लोगों का और कुछ कहना है। लेकिन हमने भी विवेक और खुशी के बारे में खोजबीन करनी शुरू की तो सच्चाई कुछ और ही पता चली। वहीं लखन ने भी विवेक और खुशी के बारे में कुछ ऐसी जानकारी दी है जिसको सुनने के बाद आपको ये यकीन हो जाएगा कि आखिरकार इतने प्यार करने वाले कपल्स ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। तो आगे के वीडियो में हम आप सबका कन्फ्यूजन दूर करके ये बताने वाले हैं कि आखिरकार इन दोनों के रिश्ते में चल क्या रहा है। लेकिन ये जानने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल पर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे रियल वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। विवेक और खुशी इंस्टाग्राम और यूट्यूब का जाना माना चेहरा है, तो इस क्यूट से कपल्स का अचानक से गायब होने के बारे में इनके कुछ फैंस को चिंता है। तो वहीं कुछ लोग इन दोनों के बारे में मिर्च मसाला लगाकर अफवाहें फैला रहे हैं, क्योंकि जब मैंने इन दोनों के बारे में सच्चाई जाननी चाही तो मुझे सबसे पहले ये बात पता चली कि खुशी का किसी दूसरे के साथ अफेयर चल रहा है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये इंस्टाग्राम पर खुशी ने गायब होने से पहले जो रील्स पोस्ट की थी उसी रील्स पर लोग कमेंट कर कह रहे हैं। ये खबर सोशल मीडिया पर 4-5 दिन तक खूब फैली हुई थी, लेकिन फिर अचानक से एक खबर और पता चलती है कि खुशी का नहीं बल्कि विवेक का अफेयर चल रहा है। विवेक किसी होटल में किसी दूसरी लड़की के साथ पकड़े गए और उनको पकड़ा खुशी ने, और जब खुशी ने विवेक को दूसरी लड़की के साथ पकड़ा तो विवेक ने गुस्से में आकर खुशी का मोबाइल छीन लिया, और जब खुशी ने विवेक से अपना मोबाइल मांगा तो विवेक ने गुस्से में आकर खुशी को मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। बच्चे को विवेक ने अपने पास रखा है और खुशी इस समय अपने मायके में रह रही है। तो विवेक और खुशी के आपसी झगड़े में आखिरकार लखन ने ऐसा क्या कहा, आइए जानते हैं। दरअसल लखन ने किसी का नाम ना लेते हुए इशारों में ही अपना जवाब लोगों को दे डाला और कहा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी ही बीवी को चीट कर रहे हैं। दरअसल लखनीत फैमिली में जब कुछ प्रॉब्लम चल रहा था तो विवेक ने खूब मिर्च मसाला लगाकर खूब मजा लिया था, और आज उसी का उल्टा विवेक के साथ हो रहा है। विवेक के कुछ एक फैंस ने कमेंट में यहाँ तक भी कहा है कि कर्मा इज द बैक, यहाँ तक कि जिसको देखो वही विवेक पर ही उंगली उठाए जा रहा है। खुशी को तो कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा है, इससे तो यही साफ होता है कि विवेक और खुशी के बीच में कुछ तो आपसी मतभेद चल ही रहा है जिसकी असली सच्चाई अभी तक लोगों को नहीं पता चला है। क्योंकि जब तक विवेक और खुशी सामने से आकर कुछ नहीं बता देते हैं तब तक इन अफवाहों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। फिलहाल जो भी कुछ हो ये विवेक और खुशी के सामने आने पर ही पता चलेगा, तो तब तक हम इंतजार करते हैं और फालतू के अफवाहों को इग्नोर करते हैं। बाकी जैसी हमें विवेक और खुशी के बारे में कुछ जानकारी पता चलती है हम आपको अपने वीडियो के जरिए जरूर बताएंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।